बारनाजा पारंपरिक फसल प्रजाति की एक पद्धति का नाम है। शाब्दिक तो ये लगता है कि 12 तरह के अनाज, लेकिन ये मिश्रित फसल पद्धति है जिसमें मुख्यतः खरीफ में उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो इसका बारनाजा का मुखिया मंडुआ है जिसको रागी भी कहते हैं, और इसके अलावा इसके साथ अन्य खाद्यान्न हैं, उसमें चौलाई है, कुट्टू है, ज्वार है, ये मुख्यतः खाद्यान्नों में है। और इसके साथ फिर दलहन है, दलहन में राजमा है, उड़द है, तो मूंग है, गहत है, भट है, नौरंगी है, रगड़वांस है, रेंस है, तरह तरह की दालें हैं जो उगाई जाती हैं। वैज्ञानिक पहलू ये है, एक तो जमीन के साथ का रिश्ता है। जमीन उपजाऊ कैसे रहे, जैसे ये मंडुआ है, रामदाना है, कुट्टू है, ज्वार है, तो ये जितने अनाज हैं ये ज़्यादा ताकत लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि इसके साथ दलहन उगाना शुरू किया। वैज्ञानिक जो शोध हुए हैं तो ये माना जाने लगा है कि जो दलहन है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करते हैं। लेकिन लोगों ने अपने अनुभव से, बाकायदा नाइट्रोजन नाम नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, लेकिन अपने अनुभव से देखा, परख के देखा कि जो दलहन वाली फसलें वो मिट्टी को उपजाऊ बना रही हैं। फिर इसका एक वैज्ञानिक पहलू ये भी है कि ये ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, जो रामदाना है, मंडुआ है, ज्वार है। तो इसके साथ जो बेल वाली फसलें हैं, जो हमारी बेल वाली दालें हैं, ये लिपट जाती हैं, तो दोनों को सहारा मिल जाता है और एक दूसरे की उपज को नियंत्रित भी करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं, ये नहीं कि वो बिगाड़ने का काम करती हैं। फसल चक्र ये कि जैसे बारनाजा अभी कट गया, मतलब मई जून में लोगों ने बोया और सितंबर अक्टूबर में पूरा कट गया। अभी देखिए, हमारे यहाँ जितना भी ड्राई लैंड है, सूखी ज़मीन है जिसको उखड़ी ज़मीन कहते हैं, ये दो पार्ट में बंटी हुई है, एक कोदारी सार हो गई, एक झुरियाड़ी सार हो गई। सार का मतलब एक खेतों की एक पट्टियाँ, एक तरफ बारनाजा उगाया जाता है, दूसरी तरफ झंगोरा और कौनी और ये क्या कहते हैं, धान उगाया जाता है, जो उखड़ी धान है, ड्राईलैंड पैडी है। तो एक सार में ये है, एक में ये है। अब जैसे ये कट गया, अभी पूरा कट गया अक्टूबर में, तो अब इस ज़मीन की छुट्टी हो गई, चार महीने ज़मीन खाली रहेगी, इसमें कुछ नहीं उगाया जाएगा, तो मिट्टी को आराम हो गया। अगली फसल में फिर ये मंडुआ और बारनाजा नहीं आएगा, इसमें फिर वो झंगोरा आ जाएगा, झंगोरा कौनी और डायलैंड पैडी आ जाएगा। और जब झंगोरा कटेगा अगली फसल में, तो उसमें फिर गेहूं आ जाएगा, और जब गेहूं कटेगा तो फिर अगली फसल में बारनाजा घूम के आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा चिंतन है, मतलब खरपतवारों को नियंत्रित करने का, ज़मीन को उपजाऊ बनाने का और मिट्टी के स्वभाव को नियंत्रित करने का। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी ऋतु जो है अब 25-30 सालों से अपने समय पे नहीं आ रही है, और 10-15 साल से तो और भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन हमने अपने किसान अनुभव से पाया है, बिल्कुल ये सच बात है, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो तब भी बारनाजा में कुछ फसलें प्रभावित होंगी, कुछ आ जाएंगी। अगर सूखा पड़ गया
तो तब भी कुछ फसलें प्रभावित होगी, कुछ फसलें जरूर जरूर मिलेंगी। अगर जंगली जानवर का आक्रमण हो गया तो जंगली जानवर जैसे भालू जो है मंडुआ को बहुत पसंद करता है, भालू सिर्फ मंडुआ खाएगा, हमारी दलहन को नहीं छेड़ेगा, चौलाई को नहीं छेड़ेगा। बंदर जो है कुछ फसलों को छेड़ेंगे लेकिन चौलाई को नहीं छेड़ेंगे, चौलाई जरूर बच जाएगी। राजमा की दाल हो गई, गहत की दाल है, भट की दाल है, ये बाज़ार को लोगों को बहुत ज़रूरत होती है और ये सरप्लस होती भी है। चौलाई है, चौलाई की मांग पूरे देश में है और चौलाई अच्छा चौलाई सिर्फ पहाड़ में होता है, चौलाई रामदाना जो है, तो ये सीधे बाज़ार को देते हैं लोग। चौलाई अपने आप खाते कम हैं, अपने त्यौहार तीज त्यौहार में खाते हैं और सिर्फ बाज़ार में देते हैं। कुट्टू भी खाते कम हैं, हरा साग भले ही लोग खाते हैं लेकिन इसका जो दाना है इसको मार्केट के लिए बेचते हैं। दूसरे में अब इतनी डिमांड होने लगी है मंडुआ की, झंगोरे की, के जितने शहर के लोग हैं, शहर के उपभोक्ता हैं, वो अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, किसी को डायबिटीज है, किसी को और बीमारी है, तो लोग डॉक्टर लोग आज बाकायदा लिख रहे हैं कि आपको मंडुआ खाना चाहिए, आपको झंगोरा यानी सांबा के चावल खाने चाहिए, तो लोग अच्छे दामों पर आज चावल के चौगुनी से भी ज़्यादा दामों पर ये चीज़ें बाज़ार में जा रही हैं और लोगों को अच्छा पैसा भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने तो बाकायदा इसके लिए सरकारी खरीद केंद्र खोले हैं और मूल्य निर्धारण किया है और साथ ही इस पर बोनस भी दिया जा रहा है।